मान लीजिए ADF में बहुत सारा डॉक्यूमेंट पे स्कैन करना है या प्रिंटिंग करना है, ठीक है। तो स्कैन करना है तो पहले सबसे पहले लिखा हुआ डॉक्यूमेंट को ऊपर रखना है सजा करके बढ़िया, सारा डॉक्यूमेंट को सजा करके बढ़िया से जो है लिखा हुआ सब ऊपर कर लेना है आपको, ठीक है। सब लिखा हुआ जो है सबको ऊपर कर लेना है, समझे ना। ऊपर करके फिर उसी तरह से सजा लेना है बढ़िया से आपको। ये सेंटर है, चला गया अंदर तक। अब यहाँ से एडजस्ट कर लीजिए, एडजस्ट करने के लिए नॉर्मल इतना ही एडजस्ट होगा, एडजस्ट हो गया। अब आपको हर एक कॉपी का अगर 5-5 पीस चाहिए तो नंबर ऑफ 5 कर दीजिए, एक एक पीस एक इसका। मान लीजिए हर एक कॉपी का आपको कितना चाहिए, अगर 10 भी चाहिए हर एक पेज का, 5 भी चाहिए हर एक पेज का, तो नंबर 5 कर दीजिएगा तो हर एक एक पेज का 5 पीस निकालेगा। अगर इसमें 20 पेज है तो 20 पेज 100 पेज निकाल के देगा आपको, ठीक है। अभी जितना पेज है अभी ऑटोमेटिक हमको नहीं चाहिए, हमको हर एक पेज का एक एक पेज चाहिए, तो एक पेज छोड़ देंगे हम, ठीक है। अब ये वाला बटन प्रेस कर देंगे, अब ये टानना शुरू कर देगा, ठीक है ना। अभी देखिए ऑटोमेटिक टानेगा, पहले इधर से बाहर निकलेगा, इधर से प्रिंट आउट निकलेगा, इधर से बाहर निकलेगा, इधर से प्रिंट आउट निकलेगा, ठीक है। उधर से उठाने का, इधर से बाहर निकलेगा, उधर से उठाने का, उधर से बाहर निकलेगा। तो ये है मल्टी ADF, एक तरफ डालो एक तरफ प्रिंट आउट। नहीं चाहिए आपको कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से स्टॉप बटन प्रेस करके कैंसिल चाहिए कि नहीं हमको नहीं चाहिए, हम टेस्टिंग कर रहे थे, ठीक है, तो कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। यहीं पर रुक गया, ये यहाँ पर रुक गया, बात खत्म, ठीक है ना।